गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आज वैलेंटाइन डे का दूसरा दिन है, मतलब वैलेंटाइन कल खत्म हो चुका है। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या गिफ्ट्स दिए थे राज को और राज ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, तो वो सारा अब निपट चुका है सारे काम। और चीकू को स्कूल से भी कुछ कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, छोटे छोटे जैसे बच्चों के होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सब मिली हैं। तो सारा कुछ उसने क्या किया, एक बार में सब खोल के सारी चीज़ें फैला दी हैं। ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है, इसमें बैग में भी चीज़ें, इसमें भी, इसमें, तो सब इस तरीके से उसने फैला दिया यहाँ पे। तो आता है, देखता है, कुछ कुछ निकालता है, फिर रख देता है इस तरीके से। मतलब उसको फैला के खेलने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं बस अभी यहाँ पर चाय बना रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आई थी जिम से, तो बस नहाने गई, नहा कर आई, पूजा की, उसके बाद चाय बनाने में लगी हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ चीकू के लिए। बाकी हमारे लिए कुछ ना कुछ अभी रखा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें रखी हैं। एक्चुअली कल हम गए थे रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ की कुछ चीज़ें रखी हैं, रेवियोली वगैरह कुछ बच गया था तो हम ले आए थे। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं हम दोनों वही खा लेंगे। बाकी और भी कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बट वो सारी चीज़ें चीकू नहीं खाएगा, इसीलिए मैं उसका दाल चावल बना लूँगी। बाकी भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी रखी है, तो दाल चावल के साथ भिंडी की सब्ज़ी उसे खिला दूँगी। तो अभी बस यही प्लान है, बस पहले चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करती हूँ, तैयारी करती हूँ खाने की। तो बस गाइस, यही चल रहा है अभी हम लोग का। राज का तो ऑफिस का काम इतना ज़्यादा है कि ऑफिस का काम अभी ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है, वो एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अब ये मैनेज तो करना है कैसे भी करके, और यही चल रहा है। बाकी हमारी एक फ्रेंड है, तो उन लोगों से हम लोगों को इस वीक में ही मिलना है, एक्चुअली वीक डेज में ही मिलना है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसकी डिलीवरी है वीकेंड पे, तो उस टाइम पे मिलना हो नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो उसने बोला था कि वीक डेज में कभी आके मिल लेना, तो मे बी हम लोग इस वीक में कल या परसों जाएंगे उन लोगों से मिलने के लिए, देखते हैं। शाम को ही जा सकते हैं स्कूल से, उसके आने के बाद लंच वगैरह करके फिर इवनिंग में जा सकते हैं वहाँ पर। तो उसके पेरेंट्स आए हैं, एक्चुअली दोनों की मॉम आई हुई है, लड़के की और लड़की की दोनों की मॉम है, तो वो लोग आई हुई। आंटी से हम लोग मिल चुके हैं काफ़ी बार, और उन लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छा, मतलब फैमिली टाइप का ये थोड़ा सा हमारा है। तो जाएंगे, मिलेंगे चीकू तो काफ़ी टाइम बाद उन लोगों से मिलेगा, तो खुश हो जाएगा। और बस गाइस यही है, यही चल रहा है अभी। और बाकी मैंने यहाँ पे फ्लावर्स उधर लगा दिए थे क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने उसमें लगा दिए। बाकी थोड़ा सा लिविंग रूम हम लोगों को, एक्चुअली उधर हमने टेंट लगा दिया था चीकू का, तो ये जब हम गए थे पोर्टलैंड गए थे, तो उसके फूफा जी और बुआ ने दिया था ये टेंट, तो लेकर आए थे, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि कुछ खेलेगा। पर वो उसका वही रहता है कि कभी गया 5 मिनट के लिए बैठा बस वापस, उसको ज़्यादा वो रहते ही नहीं चीज़ों का। बस लिविंग रूम का हम लोग को थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है, वही सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, तो देखते हैं कुछ प्लान करते हैं, क्योंकि अभी इधर इस सेटअप से हम थोड़ा सा बोर हो गए हैं। तो हम लोग ना टाइम टू टाइम पे चेंज करते रहते हैं सेटअप, तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब दिमाग उसी में बिजी हो जाता है और थोड़ा सा नया नया बन सा रहता है। और चीकू को सबसे मेन बात यही है कि चीकू को बहुत अच्छा लगता है अगर कुछ भी घर में चेंजेस होते हैं, लाइक कोई कोई चीज़ घर से चली गई वो चेंजेस नहीं अच्छे लगते हैं, कोई चीज़ नई आ गई घर में वो चेंजेस अच्छे लगते हैं। बाकी इस काउच को उधर रख दिया या इस तरीके से कुछ कुछ चेंज हो गया तो वो अच्छा लगता है उसे। बाकी उसकी कोई घर की चीज़ जानी नहीं चाहिए बाहर, उसको ये रहता है कि कोई भी चीज़ मतलब मेरी हट ना जाए, उसको हर चीज़ें याद रहती हैं। तो बस यही है। और बाकी ये देखिए, पेड़ मेरे काफ़ी बड़े हो गए हैं, पहले कितने छोटे छोटे थे, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, तो कितने छोटे थे, अभी काफ़ी उस हिसाब से काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये मनी प्लांट भी काफ़ी ग्रो हो रहा है, और ये वाला भी, ये वाला तो मैंने इतना छोटा सा लगाया था, अब ये देखो अब कितना, इसमें कितनी सारी लीव्स आ गई हैं। ये वाला भी मैंने बहुत छोटा लगाया था, ओ नो, तो ये वाला भी मैंने बहुत छोटा सा लगाया था, बहुत ही छोटा, लेकिन अब इसमें ये देखो, इसमें कली भी आ गई हैं, इसमें फूल आएगा, ये है। तो बस गाइस यही है, अब मैं फटाफट चाय निकालती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी। तो गाइस बस मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया है, मैं थोड़ा सा प्लांट्स का देख रही थी,
और ये वाला मैं कुछ देख रही हूँ, काफ़ी टाइम से बढ़ नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ पे किचन में रख देती हूँ, शायद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा इसका। ये देखिए, ये पत्ता ख़राब हो गया है, तो इसको मैंने इसमें पानी में लगा रखा है। देखती हूँ मैं थोड़े दिन यहाँ पे रख के देखती हूँ, क्योंकि ये वाला मेरा जो प्लांट है ये तो मैंने पॉट में लगाया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैंने सोचा था कि इसको पानी में लगाया तो शायद ये, देखती हूँ शायद अच्छा ग्रो कर जाएगा, तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ रखूँगी, और अगर अच्छा ग्रो करता है तो फिर यहीं रहने दूँगी, बाकी कुछ और यहाँ से एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर भी काफ़ी प्लांट्स हो गए हैं इधर, तो लेट्स सी क्या करना है। इसको इधर कर देती हूँ थोड़ा सा एडजस्ट लाइक दिस, ओके ओके नाउ इट्स बेटर, ओके। तो देखते हैं कैसा रहता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिर। गाइस देखिए, मैंने अभी झाड़ू एंड पोछा किया है, मॉप किया है, तो देखिए कितना साफ लग रहा है, देखिए। तो हफ्ते में वही है कि एक दो बार आप कर सकते हो, ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ्लोर है, तो फ्लोर वुडन फ्लोर ख़राब हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं करना होता है, लेकिन ये है कि इससे अच्छा चमक जाता है, क्लीन हो जाता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ मॉप, वेट मॉपिंग क्लोथ्स आता है गेन का, स्ट्रॉन्ग भी होता है काफ़ी और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। चीकू को लेने जा रही थी स्कूल, रास्ते में हूँ, राज का ऑफिस का काम है तो आज वो नहीं जा रहे हैं, कभी कभार अगर उनका ऑफिस का काम होता है तो वो नहीं जाते हैं, मैं ही चली जाती हूँ, तो आज काफ़ी काम है इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं, बस मैं अब पहुँचने ही वाली हूँ उसके स्कूल, चलिए बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। अभी कैंडी रेनबो बना रहे हैं और अभी स्केटर्स का नेम बता रहे हैं। गुड जॉब रहा, कैन यू शो चॉकलेट ब्लूबेरी लाइम स्ट्रॉबेरी एंड चेरी। नाइस नाइस रेम, वो कितना अच्छा बनाया, देखिए गाइस, इसने स्किटल्स का, ये स्किटल्स होते हैं ना, इसका इसने बनाया ये सारी चॉकलेट्स। गुड जॉब राहुल, गुड जॉब, वेरी गुड। हेलो गाइस, तो बस अभी रात हो गई है, अब हम लोगों को सोने का टाइम हो गया है, बस अभी डिनर करके आए हैं हम लोग, और ऊपर आग के बस मैं मॉर्निंग के कपड़े निकाल के रख देती हूँ चीकू के वहाँ पर काउच पे, और अपने भी निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर इतने काम हो नहीं पाते हैं, तो कपड़े वगैरह निकाल के रख लो तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, फिर इसको भेजना है, स्कूल रेडी करना है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए मैं रात को ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं उतना निपटा लेती हूँ। तो पहले मैं वेदर का देख लेती हूँ कि वेदर कैसा है कल का या
मतलब कैसे मुझे किस तरीके से कपड़े निकालने हैं। जैसे कि अभी गर्मी हो गई थी काफ़ी, तो मैं उसको हाफ टी शर्ट पहना के भेजती थी, ऊपर से जैकेट पहना देती थी। तो ये था कि दोपहर में जैकेट निकाल देते हैं वो लोग स्कूल में टीचर्स, बाकी अंदर बच्चे टी शर्ट पहने रहते हैं। लेकिन आज का वेदर मैंने देखा कि आज काफ़ी ठंडा था, तो इसीलिए मैंने आज अंदर भी गर्म शर्ट पहना के भेजा था। तो यहाँ पर वही है कि वेदर अचानक से ही चेंज हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो कल का ठीक ठीक है, बहुत गर्म नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं है, तो इसलिए मैं फुल टी शर्ट इसको पहना के भेज रही हूँ, ऊपर से स्वेटर वगैरह पहना के भेज दूँगी। तो यही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो बस गाइस यही है, बाकी अभी चीकू यहाँ पे देखिए खेल रहा है, कैसे लेटा हुआ है कैसे ऐसे ही लेट के खेलता है। और राज अभी आए हैं, एक्चुअली दूध वगैरह ख़त्म हो गया था, तो अभी जहाँ से हम लेकर आते हैं दूध इतना टाइम नहीं है राज के पास वहाँ जाने का। तो राज ने कहा कि अभी हम पास से ले आता हूँ, पास में एक स्टोर है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कुछ कुछ मिल जाती हैं। तो बस दूध चिकन वगैरह चाहिए था जो ज़रूरी होता है, मतलब कभी ज़रूरत पड़ जाए तुरंत तुरंत के लिए, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मंगा के रख ली मैंने, टमाटर वगैरह, क्योंकि मैं भी अभी इधर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि वही मैं जिम चले जाती हूँ ना, तो टाइम फिर बचता नहीं है, क्योंकि जिम से मैं वापस जब आती हूँ उसके बाद इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं फिर कहीं स्टोर वगैरह होके आऊँ, क्योंकि जिम से वापस आके फिर मुझे लंच की पूरी तैयारी करनी होती है जल्दी जल्दी। मतलब मेरे पास एक थोड़ा ही टाइम बचता है जिसमें मुझे लंच बनाना है, उसके बाद चीकू को लेने जाना होता है। तो पहले ये होता था कि जब जिम मेरा जाने का नहीं होता था तो सामान वगैरह का यही होता था कि मोस्टली मैं ही ले आती थी। अभी भी होता है, कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ लेने के लिए जब मुझे टाइम मिलता है। और पर वही है कि अभी थोड़ा सा जिम की वजह से थोड़ा मुश्किल हो गई है, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाता है। कभी कभी हम लोग चीकू के पीछे से हम दोनों ही जाके ले आते हैं साथ में, तो हो जाता है, कभी कभी चलता है, थोड़ी बहुत चीज़ें एक दो चीज़ें रह जाती हैं तो इधर उधर से ले लो आसपास में। तो बस कहीं से ही चल रहा है, और बाकी बातें फिर मैं आप लोगों से कल करती हूँ, कल बनाते हैं व्लॉग। एक्चुअली कल हमारे एक फ्रेंड है जिनके लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो हम लोग इस वीक डेज में उन लोगों से मिलने जाएंगे, लाइक मतलब कल हम लोग जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो शाम को चीकू स्कूल से आ जाए, उसको लंच करा देंगे, उसके बाद 4:30 तक उन लोगों से मिलने जाना होगा, क्योंकि फिर उसका डिनर का टाइम हो जाता है, उसको जल्दी डिनर कराना होता है, फिर जल्दी सुलाना होता है, तो हम ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकते हैं वहाँ पर। तो यही है कि बस जल्दी जाएंगे ताकि थोड़ा सा बैठ सकें, और उसके बाद डिनर विनर करके फिर हम सो जाएंगे। तो कल इसका अर्ली रिलीज डे है, वेंसडे को यहाँ पे बच्चों का अर्ली रिलीज डे होता है, तो कल चीकू का भी अर्ली रिलीज डे है, और इस बार फ्राइडे को भी अर्ली रिलीज डे हो रहा है बच्चों का, तो फ्राइडे को भी होगा। और मंडे को यहाँ पे छुट्टी है, प्रेसिडेंट डे है, तो यहाँ पे हॉलीडे रहता है, तो बस ये कि इस बार लॉन्ग वीकेंड मिल जाएगा। तो बस चलिए मिलते हैं गाइज आप लोगों से फिर कल। Okay, bye-bye, good night.